कार थाना के कस्बे क्षेत्र में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में दो दुकानों में अचानक आग लग गई। वहीं भीषण आग की लपटों को देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मचना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के दौरान आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के दौरान दो दुकानों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार बताते चलें कि गोकुल जो किसार थाना क्षेत्र के अमौर गांव के निवासी हैं, उनकी कॉस्मेटिक व गिफ्ट की दुकान सार कस्बा क्षेत्र में है। बीती शाम जब वह दुकान बंद करके घर के लिए गए हुए थे, वहीं देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक दुकान में आग लग गई। वहीं आग की भीषण लपटों ने पास की एक साड़ी की दुकान को भी चपेट में ले लिया। जी हां, आपको बता दें फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। क्या नाम है आपका? गोकुल। जो आग लगी है आपके यहाँ दुकान में, कैसे लगी है और लगभग कितना नुकसान हुआ है? 20 लाख का नुकसान हुआ है। यहाँ से हम 9:30 बजे गए थे, घर पहुँचे हैं 10 बजे। तुरंत खबर आई है कि आग लगी दुकान में, तुरंत चले आए तो आग लगी। मतलब आप दुकान बंद करके घर चले गए थे? घर पहुँचे ही थे। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? आशीष भाई ने दिया था। आशीष जो फिर क्या फायर ब्रिगेड को सूचना दिया था? आशीष ने बुलाया था। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? 20 लाख। 19 का नहीं होगा, 21 हो जाता है।